तो कैसे हैं आप लोग? जा पूछ क्या। आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। सब देख सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आसिफ खान एंड इट्स आवर फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम इस्लामाबाद टू नारायण खान। हाय गाइस, वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि हमारे जो ज्यादातर व्यूअर्स हैं ना, वो उर्दू सुनते हैं। तो ठीक है, आप शक्ल से ठीक है, अंग्रेज लगते हैं, लेकिन इतनी अंग्रेजी मत बोलें। कैसे हैं आप सब लोग? और ये हमारा फर्स्ट वीलॉग है और हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से नारायण का गान जा रहे हैं। और सॉरी, हमने आपको जो हमारी एक्टिविटीज़ पहले थी वो हम आपको इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि ये जो नौसत हमारा ये जो दोस्त है, इसने हमें बहुत टाइम पे बताया कि मैं रेडी हूँ। कोई नहीं, खैर गुड हो गया जी, गुड हो गया। बाकी शुगर का शुगर लगा ही रखो, कोई नहीं, ये देखें यहाँ पे हमारी जो है वो गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो गई है क्योंकि आपको पता है बॉस जो है वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है क्योंकि नाराज़गी को कम करने की। क्या कहना चाहेंगे, कैसा गुजरा आपका सफ़र? बहुत अच्छा गुजरा है और इंशाल्लाह और अच्छा भी गुजरेगा। मेरी ड्राइविंग कैसी थी? आपकी ड्राइविंग तो माशाल्लाह सुकून दे थी। थैंक यू सर, आप कुछ फरमाएंगे? अबे मेरे भाई, हमारे देखने वाले अच्छा, हाँ, हाँ, सॉरी, मैंने कहा सफर बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। आप क्या कह सकते हैं, फिलहाल तो अभी गर्मी थी, अभी गर्मी खत्म होने लगी है क्योंकि ये टनल था इंशाल्लाह आपका, उसके बाद अब ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे? गुड हो गया जी, और आप क्या कहेंगे? मैं इस वक्त सर कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि अब गाड़ी आप चलाएंगे आगे। ओके, चलिए, भी ट्रैवलिंग का हिस्सा था। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। वो इसलिए कि हमारे साथ ये जो है मिस्टर, जिनको अपने हुस्न की बहुत परवाह है, सुन ले फैसल, उन इस जनाब ने हमें रॉन्ग रूट बताया है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट, मैंने नहीं बताया, रास्ते में किसी बंदे ने, खामोश हो जाओ, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सवात पहुंच गए और यहां से वापसी 1.5 घंटा वापस जाके, जो कि हम 1.5 घंटा एक्स्ट्रा करके आए, फिर 1.5 घंटा वापस जाके और वहां से जाके शायद कोई रास्ता जाता है जो जो, हाँ जी शायद, ओके, अभी भी मैं मुझे तुम पे डाउट है, वहाँ से शायद कोई रास्ता जाता है जो हमें नारायण का गान पहुँचा दे। वैसे हम पहुँचने वाले थे 6 बजे, लेकिन अब हम पहुँचेंगे रात के 10-11 बजे तक, तो इसलिए आपको मैं इसलिए मैं आपको एक बात बता दूँ, इस जैसे अगर आपके साथ कोई बहलोल दोस्त आ रहे हो ना, जो कि एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत बार आया हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे ये रोड पता है, इधर से मुड़ जाओ, इधर कभी भी मत मानना, हमेशा गूगल मैप पे चलना वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और खान कुछ कहना चाहते हैं? मुझे तो ये डाउट हो रहा है, हम कल रात तक ना पहुंचे, कल रात तक भी हम पहुंचना तो भी बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ। मेहरबानी करें, आप भी तो कुछ फरमा दें, क्योंकि आप भी तो क्या कहे, हमारी जो ही सरकार वही खैर है, शुक्र है, इसलिए खैर है, तो काम का काम, गुड हो गया जी, गुड हो गया, मैं कहता हूँ इसलिए जी, बहुत ध्यान से आए, आपको रास्ता ठीक आना चाहिए, वो बहुत बेटर है, अदरवाइज आप हमारी तरह रुल जाएंगे। अब जब हम पहुँचते हैं वो अब आपको दिखा देंगे कि कैसे पहुँचे कैसे नहीं पहुँचे।
जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बॉस पे जा रहे हैं, तो बॉस जो है वो हमसे नाराज हो चुकी है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा देर चलाने की वजह से तकरीबन हम रास्ता भूले थे, तकरीबन दो घंटे वो, दो घंटे वापसी के, तो छः घंटे से हम इसको लगातार चला रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि बॉस ने आवाज़ चेंज करके हमें कहा होगा थोड़ा सा सुकून कर लो। और इस सबका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, और वो है ये तेरे मुंह से। सिर्फ एक रास्ता भूलने की वजह से किस हद तक की जलालत हो सकती है, आप देख सकते हैं। ये देखें ट्रेडिशनल खाना, नान पकोड़े, चटनी, ये इसी चटनी की वजह, वक्री है बाबा जी, इसी चटनी की वजह से सारा काम हुआ है। और ये देखें जी, ये हाल हो गया जी हमारा। किसने बोला चटनी? अब हम रुके हुए हैं एक मैकेनिक के पास, जो कि अभी हमारी गाड़ी चेक करेगा, सो देखते हैं कि उसके बाद वो क्या कहता है कि हमारी गाड़ी को क्या मसला है। इस टाइम रात के 10 बज चुके हैं और हम सुबह किस टाइम निकले थे? 12 बजे। हम सुबह 12 बजे निकले थे इस्लामाबाद से और अभी तक हम नहीं पहुंचे, तो आप सोच सकते हो कि इस टाइम हमारी क्या हालत होगी। हम आपको मैं हालत ज़रा इनकी दिखा भी देता हूँ, ये चेक करो, ये मासूम बेचारे ये देख लीजिए, पिछले 10 घंटे से हम सफर कर रहे हैं। पहले सवात निकल गए हम। गाड़ी देखे अब वैसे ये मेरा जो है ना ये व्लॉग खराब कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको पहुँच के बताता हूँ। ज़िंदगी में इतना नहुस्ती ट्रिप आपने कभी नहीं देखा होगा, और शायद YouTube पे तो आपने ऐसा कभी भी कोई वीलॉग नहीं देखा होगा जिसमें इस्लामाबाद से नारान जाते हुए तकरीबन 14 घंटे हो चुके हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी नारान 40 किलोमीटर दूर है। और अभी कुछ देर पहले जो हमारी ये बॉस है, इसकी वायरिंग जल गई है और यहाँ पे जो है वो आग लग गई थी, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हमने पानी डाला हुआ है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, अब तो मैं कसम से बहुत ही थक गया हूँ यार। खान साहब, आज के दिन में हमने कौन कौन सी मुश्किलात देखी हैं वो ज़रा बताएं। यार हम सुबह से मुश्किल में, यार सबसे पहले इन साहब ने हमें तकाया, गर्मी में तकाया सबसे पहले, उसके बाद हमें स्वाद घुमाया, ठीक है। नारान कहाँ जाना था, स्वाद चले गए। उसके बाद अभी टाइम क्या हुआ, एक बज रहा है, 12 बजे निकले हुए दोपहर के 12 बजे, एक बज रहा है, और अब हमारे साथ ये हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ है, हमारे साथ आग लग गई है। हम बातें कौन सी कर रहे थे, जिनों की बातें, पहले बंद हुई हमारी, रात को कर रहे हैं और ऐसे हम उस टाइम स्टार्ट कर रहे थे बात करने, जिनों की बातें। अभी इसने स्टार्ट की है एक ऐसी बात के जी, वो बात स्टार्ट कर, जैसे इसने बात स्टार्ट की उसी टाइम टेप बंद हो गया, लाइट बंद, सब कुछ बंद। उसके बाद उसके मेला ना शुरू हो गया, फिर आग लग, उसके बाद मेला ना स्टार्ट हो गई, उसके बाद एकदम से गाड़ी को आग लगना स्टार्ट हो गई। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि हमसे अच्छे अभी भी 40 किलोमीटर बाकी है जी। फाइनली जी हम सुबह के, दोपहर के 12 बजे के निकले हुए, इस टाइम रात के 4 बजे हम नारान पहुँचे, और बाकी स्टोरी तो आपको पता ही है कि क्यों हम इतना लेट पहुँचे।
रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। साढ़े नाल बोस ने की थी बेवफाई है, रुलते गया पर चस बड़ी आई है। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ गया? उठो यार। हाँ जी, क्या हो गया? रात का शॉर्ट तो हम बना नहीं सके क्योंकि हम आपको अपनी पिछली साली सारी जलालत तो हम आपको दिखा चुके थे, तो उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं थी रात को 4 बजे पहुंच के कि हम आपके लिए शॉर्ट बनाते, लेकिन फिर भी अब हम सुबह उठ के, वैसे टाइम क्या है? टाइम 10 बजे 10:20 बस। देख लें जी, हम ऐसे ही अपना ट्रिप जाया करते हैं, वैसे देख लें आप, बस आप भी कुछ बोले जरा। गुड हो गया, मैं कहता हूँ ऐसे ट्रिप जाया करते रहे, ऐसे लेट उठते रहा तो गर्म पानी भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ गुड हो गया। वो भी है, वो भी है। हेलो, अरे उठा। यस सर। टाइम क्या हुआ है? बहुत टाइम हो गया, उठ जाओ अब। अच्छा उठाओ फैसल भाई। ओए ना, दे दे यार मुझे फोन दे दे। हाँ जी, आपको क्या हो गया? झूठ हो गया जी, आंखों में नींद आई भी है। ऐसे ही टाइम जाया करते रहा करें, ट्रिप जाया करते रहा करें, एक बार फिर से सो जाते हैं। अच्छा। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मॉर्निंग हियर इन नारायण खान। फाइनली वी आर रेडी फॉर the trip, and it's like you guys know that acha sorry to guys subah ho chuki hai bahut mushkil se uthe hain ha kyunki yaar kitne mushkil se hum pahunche hain kab hum pahunche ye to sabko pata hai kitne der hum raat ko rulte rahe aur ab finally subah hui hamari subah kya time kya hua ghadi baj raha hai 1 baj raha hai bura time 12 baj raha hai 12 बज रहे हैं अभी, हमारी सुबह हुई है, हम फाइनली तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगे हम आपको दिखाते हैं सारे। अच्छा, मुझे मुझे तो और खान की उर्दू भी थोड़ी ठीक करते हैं। गुड हो गया जी। सीरियसली मेरी तो बस हो चुकी है इस टाइम, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं अब क्या कहूं कि ये मेरा अच्छा टूर था, हाँ। बुरा टूर था, मैं एडवेंचर बहुत मैं कसम से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अच्छा था बुरा था, व्हाटएवर जैसा भी था, इतनी मुश्किलात हमने फेस की, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो हो ही गया। क्या कहना चाहोगे सारे? चलो पंजाबी बोलता हूँ, क्या रुलते गए लेकिन चस बड़ी आई, चस बड़ी आई, बाकी गुड हो गया। ऐसी चूसे, मेरा मतलब ऐसी वीडियो बनाते रहा करें, बहुत अच्छा। हम अभी बाबूसर टॉप से वापस आए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेना चाहिए, तो आपको पता है कि जैसे हम मोस्टली लाहौर मुल्तान के जो क्या है पंजाबी लोग होते हैं, मोस्टली हम लाइक करते हैं कि हम
क्या खाएंगे? कढ़ाई, चिकन कढ़ाई खाएंगे। तो एज यूजुअल हमने चिकन कढ़ाई मंगाई है, तो आप देख सकते हैं कि ये खाने में मसरूफ़ हैं सारे के सारे। कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, चलें ठीक है, हम भी खाते हैं और आप वीडियो एंड आपको इसका फीडबैक देखते हैं। बोर्ड हो गया, उठ गए बस क्लोजिंग है हमारी। ये भाई को दे दें। सबर करो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।